यूपी चुनाव के नतीजों में अब बस एक दिन ही बाकी रह गया है, लेकिन इससे पहले ही ईवीएम को लेकर राज्य में कई जगह बवाल जारी है। वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम को लेकर हुए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। शीर्ष नेतृत्व और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गोरखपुर में देर रात सैकड़ों की संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हो गए। उनका आरोप है कि बीजेपी किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकती है, ऐसे में वे लोग टुकड़ियों में बंटकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर निगरानी करेंगे। वो तब तक यहां जमे रहेंगे जब तक सभी 9 सीटों पर मतगणना पूरी नहीं हो जाती। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के भीतर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ईवीएम को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। हालांकि ईवीएम की चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। इसके अलावा सभी पार्टियों के एजेंट भी स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। बनारस, बरेली और सोनभद्र में हुई लापरवाही के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम की निगरानी का आह्वान किया है, जिसके बाद गोरखपुर में सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में देर रात सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहां पहुंच गए। ये कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी की चारों ओर से निगरानी कर रहे हैं। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, दो ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, दो गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे, ईमानदार,
सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में जिसका नंबर UP25DT9166 में तीन बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा दो बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए।